हम अक्सर कुछ ऐसे प्रिंटर्स देखते हैं जो बहुत कम शोर करते हैं तथा इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी हाई होती है तथा कुछ प्रिंटर्स तो मल्टीफंक्शनल को भी परफॉर्म करने वाले होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीड विद स्काई में। आज हम जानेंगे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्या है तथा इसके अंतर्गत आने वाले प्रिंटर्स कौन कौन हैं। तो चलिए हम जानते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्या है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो चलिए अब जानते हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट फेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से हो रहा है। ये पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। 1980 के दशक में लेजर प्रिंटर का मूल्य लगभग $3,000 था। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने में सक्षम है। अधिकांश लेजर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर रैम व रोम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा ही कागज पर प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटे व पास पास होने के कारण बहुत स्पष्ट प्रिंट होते हैं। इस प्रिंटर में कॉर्टरेस का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर सूखी स्याही इंक पाउडर को भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर 300 से लेकर 600 dpi डॉट पर इंच तक यह उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई करता है। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इससे विशेष टोनर होता है जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं। यह प्रिंटर बहुत ही महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने की गति उच्च होती है तथा यह प्लास्टिक की सीट या अन्य सीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं लेजर प्रिंटर की विशेषताओं के बारे में। लेजर प्रिंटर के प्रिंट आउट की रेजोल्यूशन हाई होती है, जिसके कारण इनके प्रिंट आउट काफ़ी क्लियर होते हैं। इन प्रिंटर की प्रिंटिंग गति काफ़ी हाई होती है, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त होते हैं, कम कीमत प्रति पृष्ठ छपाई करते हैं। अब जानते हैं लेजर प्रिंटर की कमियों के बारे में। यह प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा होता है। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी होता है। आगे जानते हैं थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर के बारे में। थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग ATM मशीन में किया जाता है। अब जानेंगे फोटो प्रिंटर क्या है। फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है जो फोटो लेप की क्वालिटी फोटो पेपर पर छापते हैं। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए किया जा सकता है। इन प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में नाजल होते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज के लिए बहुत अच्छे स्याही के बूंद छापते हैं। कुछ फ़ोटो प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं। ये 4x6 फ़ोटो को सीधे डिजिटल कैमरे के मीडिया कार्ड से बिना किसी कंप्यूटर के प्रिंट कर सकता है। ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर और उच्च क्षमता वाले लेज़र प्रिंटर उच्च क्वालिटी की तस्वीरें प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी इन प्रिंटरों को फोटो प्रिंटर के रूप में बाज़ार में लाया जाता है।
बड़ी संख्या में नाजल तथा बहुत अच्छे बूंदों के अतिरिक्त इन प्रिंटरों में अतिरिक्त फोटो सियान, हल्का मेजेंटा तथा हल्का काला रंगों में रंगीन कॉर्टेज होता है। ये अतिरिक्त रंगीन कॉर्टेज की सहायता से अधिक रोचक तथा वास्तविक दिखने जैसा फोटो छापते हैं। इसका परिणाम साधारण इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर से बेहतर होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इंकजेट प्रिंटर क्या है। यह नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके करेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स से मिलकर होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के चार नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला। ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या होती है कि इसके प्रिंटर हेड में इंक क्लॉगिंग हो जाती है। यदि इससे कुछ समय तक प्रिंटिंग ना की जाए तो इसके नोजल के मुहाने पर स्याही जम जाती है जिससे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लॉगिंग कहा जाता है। आजकल इस समस्या को हल कर लिया गया है। इसके अलावा इस प्रिंटर की प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 डॉट पर इंच होती है। पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकलने की अनुमति देते हैं। यह ढोने में आसानी से इस्तेमाल करने में सहज होते हैं, मगर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से सामान्य इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले महंगे होते हैं। इनकी प्रिंटिंग की गति भी सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंट डिजिटल कैमरे से तत्काल फोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल फोटो प्रिंटर कहा जाता है। मल्टीफंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर के बारे में आपको बताएं तो यह एक ऐसा प्रिंटर है जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं तथा प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं। उसे मल्टीफंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। मल्टीफंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टीफंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर तथा फैक्स किए जा सकते हैं। मल्टीफंक्शनल प्रिंटर घरेलू कार्यालयों में बहुत लोकप्रिय होता है। इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंट विधि का प्रयोग हो सकता है। कुछ मल्टीफंक्शनल प्रिंटरों में मीडिया कार्ड रीडर का प्रयोग होता है जो डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर के प्रयोग के बिना सीधे सीधे इमेज छाप सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम आपको सबसे आसान भाषा में वीडियो प्राप्त कराएं और टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे सकें। धन्यवाद।